और आप सभी तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आज का तीसरा दिन का दूसरा मुकाबला। और मेरे साथी कमेंटेटर पूरण सिंह नेताम, स्वागत है आपका। धन्यवाद कमल। आज के दिन का सेकंड मुकाबला हिर्री वर्सेस मांझी आड़गांव। यहाँ पर हिर्री ने टॉस जीते पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, वही क्षेत्र रक्षण के लिए न्योता किया है मांझी आड़गांव की टीम को। और पहला ओवर लेकर शायद सर्जन। अच्छा, मैं मांझी आड़गांव के बारे में बता दूं कि कल इन्होंने उपविजेता टीम रहा है पासंगी में पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट में उपविजेता रही है। हालांकि उस मैच में होम टीम के साथ खेली थी, उपविजेता रही है। इसका खासा फायदा मिलेगा मांझी आड़गांव की टीम को, उनको कॉन्फिडेंस लेवल आज सातवें आसमान में होगा। जी हाँ कमल, और इस मैच की बात करें तो पहला मैच यहाँ पर मांझी आड़गांव आज खेलने को उतरी है। दोनों ही टीमें आज अपना पहला मैच खेल रही है और पहली ओवर लेकर आए हैं सर्जन मांझी आड़गांव की ओर से। यह सर्जन काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं और मांझी आड़गांव की टीम लगभग दो तीन सालों से काफी अच्छी टूर्नामेंट जीतते आ रही है लगातार आसपास के मैचों में, तो अच्छी खेल दिखा रही है मांझी आड़गांव की टीम। उनका जज्बा काफी हाई होगा और पिछले टूर्नामेंट की बात करें तो उपविजेता होकर आई है यहाँ पर खेलने को, तो काफी कॉन्फिडेंस हाई होगा और उसी जीत को बरकरार रखने। ये भी काफी अच्छी क्रिकेट खेलती है, तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सर्जन अपनी पहली ओवर की शॉट गेंद थी और इसी बीच करारी शॉट देके जाएगी पूरे चार रन। यहाँ पर टप्पा खाने के बाद काफी ऊंची गई गेंद, ऑफ साइड पर तेजी से ढकेल दिया। अच्छी शॉट और अच्छी शुरुआत हिरने के लिए। पूरा काफी रूम दिया पर यहाँ उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया पूरे चार रन। ये काफी अच्छी शॉट यहाँ पर, जैसी गेंद की छोटी बल्ले चलाने से बिल्कुल भी नहीं चिके। दो ओवर का पावर प्ले और जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी इस पिच पर होती है और पुराने गेंद है तो काफी अच्छे रन बन सकते हैं पूरन। यहाँ पर दूसरी गेंद सर्जन, यहाँ पर फिर से शॉट पिच गई लेकिन उठाकर खेला चाहे उसके पीछे फिटल लेकिन देखते हैं उसके पीछे बढ़वा जाती ग्राउंड साइड। यहाँ पर फिर से एक चौका, लगातार दो चौका मांझी हिर्री के बल्लेबाज के द्वारा। इसी तरह से दो बैक टू बैक चौके लग चुके हैं हिर्री के दोनों ही बल्लेबाज जिसे ट्रेवल करती हुई और अच्छी लाइन लेंथ पर रखना होगा सर्जन को। अच्छी गेंद, फिर से पुनः ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर, एक ही रन संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर लेकिन कोई रन नहीं। फिर से बल्ला चलाने की कोशिश की अंदरूनी हिस्से पर लगी गेंद, तेजी से ट्रेवल हो रही है पीछे से, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन एक रन आसानी से मिला। इस एक रन साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, कोई नुकसान नहीं पहला ओवर प्रगति पर। जी हाँ कमल, बात करें दोनों ही इनिंग पुरानी गेंद से खेली जानी है तो इसका कितना फायदा उठा पाएंगी दोनों ही टीमें। जी काफी फायदा मिलेगा यहाँ पर। मैं कल 6 ओवर का मैच में 105 रन बनाई थी भानपुर की टीम ने, तो 8 ओवर में 115, अपील तो जोरदार हुई है। अरे मिलता हुआ पहला विकेट, अच्छी गेंद थोड़ी सी टफ होकर बाहर निकलती हुई, यहाँ पर आउटसाइड एज लेती हुई बल्ले का और अपना विकेट देते हुए फिर एक बल्लेबाज को वापस जाना होगा। जब बात करने से मैदान के बारे में, इस पिच के बारे में, 8 ओवर में 115 रन, 8 ओवर में 115 रन बने हैं, 6 ओवर में 105 रन बने हैं, तो इस तरह से। हालांकि पूरन में बता दूं विकी गेंद के मुकाबले यह गेंद काफी टाइट होती है, जब बल्ले से लगती है तो हवाई यात्रा में निकल जाती है गेंद। जी हाँ कमल, बात करें इस गेंद की तो काफी ऊंची और काफी तेज ट्रेवल करती है। पुरानी गेंद है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेगी हिर्री के बल्लेबाज, क्योंकि 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर का पावर प्ले, उसके बाद 5 फील्डर सर्कल के दायरे के बाहर रख सकते हैं। ये 6 ओवर का मैच है 36 बॉलों का, तो आपको चाहिए कि टॉप गियर के साथ एक्सेलरेटर पैर रखने की जरूरत और आके तेजी से रन चलाने होंगे। आपको ड्रेसिंग रूम से ही तैयार होकर आने होंगे, आके बल्ले चलाने हैं, क्योंकि 6 ओवर का मैच में लगभग आप 80 से 90 रन बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। और मांझी विकेट गिर गया। कभी कभार क्या होता है कि पूरन आप गेंदबाजी नहीं करते, आप फील्डिंग से ऐसा योगदान देते हैं जिसमें बहुत बड़ा जीत हो सकती है, एडवांटेज होती है उनकी टीम के लिए। जैसे अभी आपने देखा कि इतनी अच्छी, जिस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा फील्डिंग में काफी अच्छा एफर्ट दिखाते हैं। जी हाँ कमल, क्योंकि एक एक गेंद काफी महत्वपूर्ण होती है, एक एक विकेट काफी, क्योंकि एक विकेट ही पूरे मैच का पासा पलट सकती है। वही रन आउट की बात करें तो काफी, जी हाँ, पिछले मैच में हमने देखा कि एक रूप सिंह का कैच छूटा था स्टार 11 के लिए, उसके बाद उन्होंने लगभग 30 से 35 रन की पारी खेली थी। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां और बल्लेबाज समझ नहीं पाए, टप्पा खाने का गेंद काफी उछाली सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, अभी भी स्कोर रुका हुआ 10-11 रन। यहाँ पर पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंका जा रहा है, तो इस ओवर में थोड़ा फायदा उठाना होगा क्योंकि इसके बाद 5 फील्डर सर्कल के दायरे के बाहर होंगे। यहाँ से फिर से अच्छी गेंद मारने की कोशिश लेकिन बेट और बाल का कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। शुरुआत खगेश भंडारी थोड़ा सा नाखुश होंगे, उनके कप्तान उनके खेमे थोड़ा सा निराश होंगे जिस तरह से उनकी
शुरुआत हुई है। हालांकि चौके के साथ शुरुआत तो हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बॉलिंग लाइन रखते गए उसके बाद काफी अच्छी यहाँ पर बॉलिंग हुई। वाइट का इशारा और इन दोनों एम्पायर पिंटू और हरेंद्र की जोड़ी, काफी अनुभवी एम्पायर, और इसके बाद खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे तो उसके बाद और विकेट गिर सकते हैं। जी हाँ कमल, उसका सिर अगली गेंद पॉइंट की तरफ कट कर दिया है, गली के पीछे से चलते उसके पीछे फील्डर पीछा करते हैं, वहां पर देखते हैं कि बाउंड्री रूप पर पहुंच पाते हैं। अच्छी फील्डिंग, दो ही रन संतुष्ट करना पड़ेगा चरण को, और सिक्स साथ बढ़ता हुआ स्कोर हिर्री का 14 रन। थोड़ी रन गति को तेज करनी होगी क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर, इसके बाद 5 फील्डर सर्कल के दायरे के बाहर रख सकते हैं और अगले 4 ओवर बचते हैं इसके बाद। जब बिल्कुल पूरन पिछले 2 दिनों से यहां पर रन बनते नहीं है, बरसते हैं रन। फिर से अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी बल्लेबाज समझ नहीं पाए इस गेंद, शॉर्ट गेंद ऊंची गई है, क्या दूरी दे पाएगी? जी नहीं, मिल गया विकेट नंबर 3। बात करें कोमल इस गेंद की तो जहां फील्डर जमाया था वहीं पर बैट्समैन में शॉट खेला और इजी कैच यहां पर फील्डर के लिए, और एक दूसरा झटका यहां पर हिर्री को लगता हुआ पावर प्ले के अंदर, तीसरा झटका एक रन आउट के तौर पर दूसरा झटका लगा हुआ था। यह तीसरा झटका लग चुका है टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज, आप सब आने वाले बल्लेबाज हैं खगेश भंडारी। यहाँ पर बात करें तो माझी आड़गांव काफी प्रेशर बना चुकी है यहाँ पर हिर्री के बल्लेबाजों, क्योंकि 2 ओवर मात्र 14 रन और 3 विकेट, इसके बाद बचते हैं 4 ओवर। मिडिल ऑर्डर को पूरा ध्वस्त कर चुकी है यहाँ पर माझी आड़गांव के गेंदबाजों द्वारा, अच्छा अथक प्रयास। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था हिर्री के टीम ने, शुरुआत तो अच्छी हुई पहला गेंद, उसके बाद लगातार विकेट गिरते गए, रन गति कम होता गया तो निराश होंगे। अब खगेश भंडारी खुद आए हैं और इस पिच पर, हालांकि हिर्री के टीम लगातार इस टूर्नामेंट जब भी होती है तो भाग लेती है, तो खासा इस अनुभव इस पिच के बारे में। स्कोर की बात करूं तो 14 रन, 2 ओवर समाप्ति पर 3 विकेट। अब यहां पर बात करें तो फील्डर पूरी तरह से खुल चुकी है, 5 फील्डर सर्कल के बाहर, और पूरे फील्डर 5 फील्डर की बात करें तो मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, अच्छी गेंद यहाँ पर टपकी हुई और बल्लेबाज को चकाया यहाँ पर पूरी तरह से बीट, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिर है यहाँ पर माझी आड़गांव के गेंदबाजों द्वारा, जिस प्रकार से प्रेशर बनाया हुआ है यहाँ पर हिर्री के बल्लेबाजों के ऊपर। कमल क्या कहते हैं इस पर? ये काफी दबाव बना चुकी है जिस तरह से पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला लिया, हालांकि यहाँ पर जो पहले बैटिंग करते हैं उनकी जीत प्रतिशत लगभग 40% है और बाद में बैटिंग करते हैं उनका 60% है। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेना, लेकिन कहना चाहिए कि क्रिकेट जिस तरह आप हाई स्कोर जिससे हम पिछले मैच में देखा उसमें भोपाल की टीम ने 98 रन बनाए, लेकिन ईस्ट हरिद्वार की टीम लगभग 50 से 60 ही रन। बात करें कमल इस मैच की तो पिच थोड़ी सी यूज्ड पिच हो गई है, थोड़ी गेंद स्लो आ रही है, कभी फास्ट जा रही है, तो थोड़ा बल्लेबाज उस चीज को जज नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छी शॉट यहाँ पर मिड विकेट की ओर खेल दिया, उसके पीछे फील्डर एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, जहाँ फील्डर है वहीं गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर माझी आड़गांव के लिए। जी हाँ, जैसे जैसे गेम बढ़ते जाएगा पिच में दरारें आती जाएगी, गेंदबाजों को और भी फायदा मिलता जाएगा। हालांकि हम बात करते हैं इस पिच पर रन की, बॉलर को भी फायदा मिलता है अगर आप सही लाइन पर करेंगे तो। यहाँ पर डिगेस ने अच्छा प्रयास किया था, हालांकि इस तरह के कैच लेने मुश्किल होते हैं। जी हाँ कमल, थोड़ी पीछे भग के रनिंग कैच जो है बहुत काफी मुश्किल होती है क्योंकि उस प्रकार के कैच को जज कर नहीं पाते। जी हाँ, और बात करूं यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत हुई है हिर्री की टीम की, निराशाजनक हुई है, और इसी बीच अच्छी गेंद थोड़ी सी मिस हुई और 1 रन यहाँ पर पूरा किया, बाइक रूपे यहाँ पर 1 रन और हिर्री को ओवर समाप्त। क्या उसके नीचे खिलाड़ी आएंगे और मिलता हुआ यहाँ पर 4th विकेट। शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, क्योंकि इस गेंद को थोड़ी सी ऑफ पर खेलते हैं, थोड़ी फील्डर देख कर खेलते तो फायदा उठा सकते थे, लेकिन जहां फील्डर वहीं पर गेंद को ढकेला और आसानी से कैच आउट होकर निराश होकर हताश होकर यहां पर पायलन कर रास्ता दिखा दिया। काफी अच्छी बॉलिंग और उतनी तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाज गेंदबाज और फील्डर को, क्योंकि जिस प्रकार से योगदान दे रहे हैं फील्डर अपने गेंदबाजों को काफी सराहनीय। यह काफी अच्छी बल्लेबाज ने थोड़ी गलती की और मिड ऑफ पर ढकला, और इस बल्लेबाज की बात करें तो काफी अच्छा जगह और काफी अच्छी प्लेसमेंट के साथ ढकेल दिया और 6 रन, पूरे 6 रन मिले हिर्री को।
इसी तरह की दरकार, ये भी छोटी गेंद, ये भी ऊंची गई है लेकिन दूरी नहीं ले पाएगी, उसके नीचे विकेट नंबर पांचवा। आधी टीम अब आम पेड़ के नीचे का शोभा बढ़ा रही है। जी हाँ कमल, काफी निराश होंगे यहाँ पर हिरी के कप्तान, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी सोची होगी कप्तान ने, लेकिन उस प्रकार का बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया और निराश होकर फिर पालियन की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर मांझी आठ गांव कर पाती है कि कब से कम स्कोर होगा, लो स्कोर होगा हिरी टीम का, क्योंकि लास्ट मांझ झाटीबंद की टीम ने बनाई थी 57 रन, क्या उससे भी कम होगा, क्या लगता है आपको? जी हाँ कमल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब बात करें तो 5 विकेट गिर चुकी है, इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाज आने को है, तो लगता है कि 57 रन से कम ही बनेंगे। जी क्योंकि इसके बाद मात्र 1 ओवर बचते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर बॉलिंग लाइन चल रही है मांझी आड़गांव की टीम से, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का लाइन लेंथ यहाँ पर देखने को मिला, थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, एक अतिरिक्त रन व्हाइट के साथ 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से अगर आपको कुछ करने हैं तो लगभग 50 रन तो बनाने ही होंगे। इसी बीच अच्छी शॉट, करारी शॉट, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी, मात्र 1 रन मिलेंगे। शॉट तो काफी अच्छी थी लेकिन जगह भेद नहीं पाए कमल, गेप पर अगर जाती तो निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही नजर आती। खगेश फुल टॉस गेंद और सही नसीहत, 4 रन के लिए। नो बॉल यहां पर, थोड़ी वेस्ट के ऊपर थी गेंद, तो इस एम्पायर का इशारा नो बॉल और एक अतिरिक्त गेंद और फ्री हिट का यहां पर फायदा उठाना होगा बल्लेबाज को। 5 रन और एक साथ बढ़ता हुआ इसको 30 रन, टीम का स्कोर 30 रन। जैसे ही खराब गेंद देखी, रकेश ने बल्ला चलाना बिल्कुल भी नहीं चुका और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजवा दिया गेंद को। इसी तरह की बल्लेबाजी के पिछले हम बात कर रहे थे, 4 गेंदों में 6 भी लगे हैं, बाउंड्री भी लगा है, तो अंतिम में थोड़ा सा बैटिंग में सुधार और अच्छी हो रही है हिरी की टीम की। तीसरा पांचवी ओवर लेकर आया, फुल टॉस गेंद वापस के नीचे, फील्डर एक आसान कैच, फिर से यहां 6वां विकेट यहां पर गिर चुका है। 6वां विकेट का पतन यहां पर वापस जाना होगा। और हम बात कर रहे थे यहां फील्डिंग की, काफी अच्छी फील्डिंग कर रही है मांझी आठ गांव की टीम, जिस तरह से कैच लगातार ले रही है, एक भी मौका नहीं दे रही है। पिछले मैच की बात करें तो काफी मिस फील्डिंग हुई थी कैच, जिस प्रकार से आउट फील्ड की बात करें तो काफी खराब फील्डिंग का मुजाहना किया था यहाँ पर दोनों ही टीमों ने, और इस बनाया जा सके बैटिंग तरफ से। अच्छी गेंद वहां पे ड्राइव किया था लेकिन वहां पे मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कमल बात कर रहे इस टूर्नामेंट में जो ओपनिंग बल्लेबाजी है देवेंद्र और एक राउंडेड स्ट्राइक पे रहा आशीष, अब उस ट्रैक पे गए हैं, इनकी साझेदारी की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें तो क्या? नहीं, पिछले मैच में भी हमने देखा था कि हिरी की टीम में पहले पार्टनरशिप बनी नहीं थी, कारण यह था कि वह टीम 52 रन में ही लुढ़क गई। इसी बीच गेंद काफी ऊंची गई है, दूरी नहीं ली है, उसके नीचे खिलाड़ी, क्या मिल जाएगा पहला विकेट? जी नहीं, हाथों से चटक गई है, दूसरा कैच छूटता हुआ आज, मानो हाथों में ग्रीस लगा हुआ, फिसल रही है बाजी मोहल्ले की टीम की। बिल्कुल, अगर इस तरह के ड्रॉप कैच होते हैं तो ये इसका खामियाजा अंतिम ओवर निर्णायक ओवर होगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि गेंद पकड़ो मैच जीतो, और जिस तरह हमने पिछले मैच में भी देखा था, स्टार 11 में भी कैच छूटा था रूप सिंह का, जिन्होंने 38 रन की शानदार पारी खेली थी। तो कुछ यहाँ पर सिंगल डबल शुरुआत की बात करूं तो आप 8 ओवर का मैच है और जिस गेंद से बॉलिंग हो रही है और पुराना गेंद है, 6 चेयर की गेंद है जो पड़ने पर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है, तो शुरुआत थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब बिल्कुल जिस तरह के ड्रॉप हो रहे हैं पप्पू, क्या लगता है अगर सकता है कि आज की टारगेट की बात करूं, भंडार सिवनी की बात करूं, जो बुना गांव की टीम, किसका पड़ रहा भारी नजर आ रहा है पप्पू? या बात करें पहली दो गेंदों को दो के छटके हैं, तो इस प्रकार से अगर शुरुआती दबाव बनाती है मोहल्ले की टीम तो काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पावर प्ले 3 ओवर का है और 3 फील्डर बाहर होंगे, अगर शुरू से यहाँ पर फिर से उठाकर खेल दिया उसके नीचे फील्डर पहुंच पाते हैं कि नहीं, और एक ही रन संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर बुना गांव क्यों। जी बिल्कुल, अगर इस तरह के ड्रॉप होते हैं तो अच्छा टारगेट करने में दोनों ही बल्लेबाज को साझेदार जो पार्टनरशिप होती है अच्छा होगा, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज को सूझबूझ का परिचय देना होगा और अच्छी पार्टनरशिप के साथ खेलना होगा, क्योंकि एक अच्छा प्रेशर बनाया जा सकता है अगर विकेट अगर दोनों ही बल्लेबाज बचा कर रखे तो। एक अच्छी गेंद, फिर से डॉट, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर प्रकाश की ओर से, तो प्रेशर तो बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर गेंदबाज प्रकाश ने। पहला ओवर की समाप्ति पर रन की बात करें तो मात्र 4 रन आए, क्या लगता है सुरेंद्र की अगली ओवर में विकेट आने के आसार? हाँ बिल्कुल, ये इसके बारे में ज्यादा नजर गए तो कमल को होगा, कमल ही बताएंगे इस मैटर पे। जब शुरू ओवर की बात करें तो मात्र 4 रन बने हैं और हम शुरुआत की बात कर रहे थे, इस पिच बैटिंग पिच है, यहाँ पर रिस्क लेना चाहेगा बल्लेबाज, क्योंकि रन 4 ही रन बनने थे,
तो विकेट गिरने का थोड़ा सा मौका है यहाँ पर। जब बिल्कुल इस टूर्नामेंट में सबसे हाई स्कोर बने तो 115 रन का आ रहा है, किसका रहा था कमल? 115 रन बनाया था। और सबसे लो स्कोरिंग बात करूं तो आज हिर्री की टीम ने बनाया था जो 52 रन, उससे पहले झाटीबंद की टीम ने बनाया था 57 रन, आज लोएस्ट स्कोरिंग का भी रिकॉर्ड बन गया है। तो देखते हैं आगे आगे, अभी 5 से 6 दिन मैच है टूर्नामेंट, और जैसे जैसे पिच में हम नया खेलते जाएंगे तो गेंदबाजी भी मदद मिलते जाएगा। तो 115 रन जिन्होंने बनाए, इसी बीच अच्छी शॉट है, करारी शॉट देके जाएगी, पूरे 4 रन, कमाल की शॉट है यहाँ पर, बल्ले से निकलती है, 4 रन का छाप लग चुका था। कमल बात करें, मुझे याद आ रहा है जो मंडार सैनी की टीम है, पहले ओवर ने प्रकाश ने गेंदबाजी किया, दूसरे ओवर उनके भाई प्रेम, दोनों भाई लगातार ओवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कॉम्बिनेशन अच्छा जम रहा है, क्योंकि पहले ओवर मात्र 4 रन आए थे, अब ये दूसरा ओवर में 4 रन, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन हुए हैं। वही पहली ओवर की बात करें तो 2 मौके दिए थे यहाँ पर गुनागांव के बल्लेबाज, अच्छी गेंद, अच्छी बाउंस, बल्लेबाज को छकाया यहाँ पर पूरी तरह से प्रेम ने, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है दोनों भाइयों की ओर से। जी अब बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़ा सा प्रेशर तो बना है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन भूला गांव की टीम की बात करूं, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट के उनको। जब शुरुआत तो काफी धीमी हुई, जिस तरह से हम मुकाबले पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, आज लगभग 13वां मुकाबला है, 13वां मुकाबले इस तरह की धीमी शुरुआत आज पहली बार देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2 ओवर की बात करें तो कभी 20 बनते हैं कि 15, इससे पहले भी हिर्री की टीम ने 25 रन बना लिए थे। अगर बात करें यहाँ पे प्रेम की, जो बॉलर भी नजर आ रहे हैं हर बार बाउंस, क्योंकि बाउंस के नाम पे जाने जाते हैं, काफी अच्छा प्रेशर बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर, लगातार 2 बाउंस किए हैं, बैटिंग गेंदबाजी इस तरह, इसी तरह की गेंदबाजी की जा रहा था, फिर से बल्ला चला गया डाउन द ग्राउंड, गेंद काफी ऊंची गई, इतनी ऊंची की देखे जाएगी, पूरे 6 रन, कमाल की शॉट यहाँ पर, मिल गया था दर्जन रन, शानदार शॉट, जैसे ही बल्ले से लगा सूर्य सीधे 6 रन का छाप लग चुका था, श्री राम मंदिर के ऊपर गई गेंद, इस 6 रन साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। बात करें कमल प्रकाश प्रेम की बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी तो कर रहे थे, अभी तक लय पे आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बैट अप हुआ गेंद, उस गेंद के पीछे पूरे एनर्जी कलाई के बदस्ता ड्राइव किया स्टेट के बाहर 6 रनों के लिए, शानदार अभी तक के खेल, नफी तुली गेंदबाजी हुई है, कहीं कहीं बीच बीच में बाउंड्री भी लगे हैं, लेकिन गुनागांव की टीम को एक्सेलेटर पर पैर रखने की जरूरत है, इसी तरह की शॉट की दरकार है, क्योंकि फिर से शॉट गेंद और सही नसीहत, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जी हाँ कमल, इस प्रकार की शॉट खेलने होगा, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले का एक ही ओवर बचता है, तो यहां से एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा ताकि गेंदबाजी पर प्रेशर बनाया जा सके और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके गुनागांव की टीम।